बुलंदशहर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय भैंस चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 20 पशु बरामद किए गए हैं। दरअसल जनपद भर से पशु चोरी की लगातार शिकायतें आ रही थी। भैंस चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। फिलहाल पुलिस ने साजिद उर्फ चमड़ा को गिरफ्तार कर 20 पशु बरामद कर पशु मालिकों को सौंप दिए हैं और आरोपी को जेल भेज दिया है, जिससे पूरे इलाके में पुलिस की खूब तारीफ भी हो रही है तो वहीं पशु मालिक के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए हाशिम कयस्त की रिपोर्ट। पर्दाफाश किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम और गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस पूरे जनपद में एक गंभीर समस्या के रूप में पशु चोरी उभर के सामने पिछले कुछ महीनों में आई थी और हम सबके लिए बहुत पीड़ादायक ये थी कि जिसका भी जानवर, जो पालतू जानवर है, जब चोरी होता है तो आदमी भावनात्मक रूप से आहत होता है, आर्थिक रूप से क्षति महसूस करता है। तो निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी, हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होती थी। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी पशु चोरों के गिरोह के अनावरण के लिए और बरामदगी के लिए। इसी क्रम में बीते दिन एक अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें कुल 20 पशुवंश बरामद किए गए हैं, जिनमें 11 भैंस है जो दूध देने वाली हैं, 6 उनकी पणियाँ हैं बच्चे फीमेल और 3 पड़वा। इस तरह से कुल 20 की संख्या में बरामदगी हुई है और ये जो बरामदगी हुई है अगस्त माह से लेकर परसों तक की चोरी के भैंसे हैं। भैंसों के स्वामियों को बुला लिया गया है, मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं और लोग बिल्कुल भावनात्मक रूप से बहुत प्रसन्न हैं। कई लोग तो भैंस को पकड़ के रोने भी लगे और एक अभियुक्त और गाड़ी बरामद की गई है। साजिद उर्फ चुमड़ा नाम का अभियुक्त है जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 5 अन्य साथी हैं जो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अलग से प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है। चिड़ावक गांव में इन पशुओं को अलग अलग रखा गया था और इनके कब्जे से वो गाड़ी भी मिली है मैक्स की, जिसमें ये रात को चोरी के बाद जानवर को लेके जाते थे। सर, कितने मामलों में ये वांछित चल रहा था? इसके विरुद्ध करीब 38 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट करके नोएडा से आया है और लेकिन इसके अन्य साथी थे जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त थे और हम सब के लिए बहुत प्रसन्नतादायक क्षण है, क्योंकि ये किसान अपनी भैंस के साथ जिस तरह संवेदनशील तरीके से जुड़ा होता है और उसी जुड़ाव की अभिव्यक्ति उनकी आंखों की भाषा को पढ़ के भी देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये बरामदगी तो अपनी जगह है, अभियोगों का अनावरण अपनी जगह है, पुलिस हमेशा प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की जो रिकवरीज हैं ये निश्चित तौर पर संतुष्ट देती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं। सर, रामपुर में भी भैंस ऐसे ही आई थी, मंत्री जी की एक भैंस चोरी हो गई थी जब पुलिस ने। देखिए, आम आदमी की भैंस है, उन गरीब आदमियों की भैंस है जिनकी कोई पहुंच नहीं है और चूंकि ये चोरी की घटनाएं 1-1.5 लाख की होती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की भैंस एक बड़े आदमी के फार्चूनर से ज़्यादा कीमती है। फार्चूनर इंश्योर्ड होती है और भैंस इंश्योर्ड भी नहीं है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। बचपन से भैंस को पाल पोस के जिस भाव के साथ लोग खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, जब वो चोरी हो जाती है तो जो मनोदशा और पीड़ा की अनुभूति वो करते हैं, उससे उन्हें मुक्ति दिला करके हम लोग बहुत पसंद हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये पूरे मेरठ जोन में ही इस पूरे गैंग का नेटवर्क है और अलग अलग जनपदों में इनके द्वारा चोरी की घटनाएं की जाती रही हैं। सोनीपत जेल से अभी छूटा है कुछ दिनों पहले। हमने इस टीम को, जिसने रिकवरी की है, 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है।